हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो मैं प्लांट्स पे लगने वाले वाइट कलर के कीड़ों के बारे में आपसे शेयर करूँगी, वो क्या हैं और उनसे निपटारा हम कैसे पा सकते हैं। ये वीडियो जो है प्लांट लवर्स के लिए है, जिन्हें पौधे लगाने का शौक है और जिन्होंने घर में पौधे लगा रखे हैं और उनके पौधे अगर किसी वजह से मर रहे हैं तो हो सकता है वो मिली बग्स की वजह से भी मर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मेरा ये बैंगन का पौधा है जिस पे मिली बग्स का अटैक हुआ है, तो ये किस तरह से दिखते हैं और इनसे निपटारा कैसे पाना है, इनसे छुटकारा कैसे पाना है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं पहले आपको मिली बग्स दिखा देती हूँ इस पर। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अगर आप देख पाए तो। इस पत्ते पे देखिए, ये मिली बग है, ये एक ही है। कल तक इस पत्ते पे कोई मिली बग नहीं था, पीछे बहुत आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए सॉरी। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पास ही, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये देखिए, अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं करूँगी तो ये ढेर सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे पौधे को ख़राब कर देंगे। ये देखिए, ये फ्लावर है, फ्लावर के पास है ये वाला, और इसी तरह से इस पे भी हैं। ये वाइट वाइट दिख रहे हैं जो आपको, ये मिली बग्स का ही अटैक है। इसी तरह से इस टहनी पे देखिए, ये वाइट कलर की जो दिख रही है आपको, ये बिल्कुल वाइट कलर जो है, यहाँ पे भी पूरे ये टहनी पे पूरी मिली बग्स से ढका हुआ था। अभी ये निशान बाकी हैं केवल, अदरवाइज़ ये पूरा इस तरह से भरा होता है, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी होती है। आपने देखा उसके अटैक की वजह से ये थोड़ी सी डल सी भी लग रही है ब्रांच, और पत्ते जो हैं वो इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं मिली बग्स की अटैक की वजह से। ये देखिए कैसे हो गया है इसका पत्ता, इसके पीछे भी आप देखिए, इस तरह से आप पत्तों में देखेंगे तो मिली बग्स पत्तों के पीछे भी छिपे होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी बहुत कम है क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट हो चुका है इन पे। तो आप इनके ट्रीटमेंट बाज़ार से लेके भी पेस्टिसाइड से कर सकते हैं और घर में भी ऑर्गेनिक बना सकते हैं। बाज़ार में भी आजकल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको एक दो पेस्टिसाइड्स आप घर में कैसे बना सकते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं पेस्टिसाइड्स हमने कैसे बनाने हैं, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा किचन में। मेरे बैंगन में देखिए फ्लावर्स भी आ गए हैं, बैंगन लगने वाले हैं। ये भी लगा हुआ था, ये थोड़ा हिलाने से टूट गया है, तो अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट नहीं करूंगी तो बैंगन तो क्या, पूरा पौधा मेरा ख़राब हो जाएगा। मिली बग्स का अटैक जो है वो किसी भी पौधे पे हो सकता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और हिबिस्कस पे भी बहुत ज़्यादा इसका अटैक होता है। मेरे टमाटर के पौधे पे हो गया था, मिर्च के पौधे पे, सरसों पे, किसी पे भी, छोटे पौधों और बड़े पौधों दोनों में से किसी से भी हो सकता है। इंडोर आउटडोर दोनों प्लांट्स पे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो आउटडोर प्लांट्स पे होते हैं। इंडोर प्लांट्स में तब होता है जब आप कहीं से पौधा लेकर आते हो और वहाँ पे इन्फेक्टेड है, तो वो अगर आपके पास आ जाता है तो इंडोर प्लांट्स में भी हो जाता है, लेकिन इंडोर प्लांट्स में इसका अटैक कम होता है। और इसको आप अगर बहुत कम है आपके मिली बग्स या किसी एक पत्ते में है, जैसे मेरे एक पत्ते में मैंने आपको दिखाया, तो आप उस पत्ते को भी काट के फेंक सकते हैं। और मैन्युअली भी आप अगर उसको हाथ से करेंगे तो आप देखेंगे एकदम से झड़ना शुरू हो जाते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं और बहुत आसानी से झड़ भी जाते हैं। मैंने जो देखा है मेरी एक्सपीरियंस से कि घर के जो पौधे हैं उनमें हम इनको बहुत अच्छे से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मेरे पौधे जो थोड़े से होते हैं घर में उनमें आसानी से मैं कर लेती हूँ, एक बार पेस्टिसाइड यूज़ करने से ही कंट्रोल में आ जाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लगे तो दो बार कर लो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हो सकता है कि बड़े बड़े खेतों में जहाँ ज़्यादा पौधे हैं जहाँ पे, वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल होता होगा, लेकिन जो हमारे घरों में पौधे हैं, छोटे गमलों में हमने लगा रखे हैं, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई इनके साथ, इनको कंट्रोल करने में। मेरे बैंगन में देखिए फ्लावर्स भी आ गए हैं, बैंगन लगने वाले हैं। ये भी लगा हुआ था, ये थोड़ा हिलाने से टूट गया है, तो अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट नहीं करूंगी तो बैंगन तो क्या, पूरा पौधा मेरा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड।
मैं जो आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना सिखा रही हूँ वो हम बनाएंगे नीम के पत्तों से। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इनके ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो सारी निकल जाए, और धोने के बाद अब मैं इनके पत्ते निकाल लूंगी। इस तरह से आप चाहे तो इनके टहनियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं है। इस तरह से मैं सारे पत्ते इनके निकाल लूंगी और इसे मैं पानी में डाल दूंगी। इस तरह से आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उसके हिसाब से आप कर लीजिए। नीम का तो हर पार्ट काम का है, अगर आप इसकी टहनियां भी थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे तो इसका भी असर हो जाएगा उसमें, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं खाली पत्ते ले रही हूँ। पत्तों को हम करेंगे बॉइल। इस तरह से मैंने पत्ते ले लिए हैं। अब हम गैस जला लेंगे। काफी पत्ते ले लिए मैंने, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। पत्तों को मैंने पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया है। अभी देखिए हमारा पानी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ रंग का है, लेकिन जैसे ही ये बॉईल होगा उसके बाद हमने इसे 10 से 15 मिनट तक बॉईल करना है। ऐसा करने से पत्तों का जूस जो है वो पानी में आ जाएगा और वो हमारा कीटनाशक बन जाएगा और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो चलिए इसे होने देते हैं, जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट और बॉईल करना है इसे। अभी देखिए बॉईल नहीं हुआ है तो ये ध्यान में रखना है आपने। मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बॉईल करके इसे ठंडा कर लिया है। ये देखिए पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया है। और आपने ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल करने से पहले इसको रूम टेम्परेचर तक आने देना है, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया मेरा पानी। अब हम इसे में से पत्ते निकाल लेंगे और इसका स्प्रे जो है हम अपने पौधे पे करेंगे जिस पे मिली बग्स का अटैक हुआ है। पेस्टिसाइड यूज करने से पहले हम इसे प्लेन वाटर से साफ कर लेंगे जहाँ भी कीड़ों का अटैक है। ये देखिए मिली बग्स हैं, इसको प्रेशर वॉश करेंगे। ये देखिए ये सादे पानी से ही हट गए। इसी तरह से हम सारे में प्रेशर वॉश कर लेंगे इनको, तो हमारे मिली बग्स तो वैसे ही हट जाएंगे। ये देखिए आपने देखा वो मिली बग जो यहाँ था एकदम से हट गया प्रेशर वॉश से ही। इस तरह से सारे, और हो सके तो गमले से बाहर को लटका के आप फिर इसके ऊपर प्रेशर दीजिए पानी का, ताकि जो मिली बग है वो गमले में ना गिरकर बाहर गिरे। इसी तरह से हम इस तरह से सारे पौधे को साफ कर लेंगे जहाँ जहाँ पे कीड़ों का अटैक है वहाँ खासकर, और गमले के बाहर खींचते हुए इन पौधों को धोएं। ये देखिए सारे मिली बग्स मेरे जो थे सारे के सारे गिर गए हैं सिंपल पानी से ही। प्रेशर से इस पे पानी डालें तो सारे मेरे मिली बग्स वैसे ही साफ हो गए। तो चलिए मैं पत्ते निकाल के छान लेती हूँ और इसे भर लेते हैं अपनी बॉटल में स्प्रे करने के लिए। मैं इसमें भर लूंगी, हमने सादा पानी यूज किया था वो मैं निकाल देती हूँ। मैं इस बॉटल में इसको भर लूंगी। पत्ते इसके नहीं डालेंगे हम, खाली पानी को इसमें डालेंगे। अब इसका स्प्रे हम पूरे पौधे पे करेंगे। इस तरह से सिर्फ जहां पे कीड़े हैं वहीं नहीं करना है आपको, पूरे पौधे पे करना है। जहाँ पे आपके बग्स नहीं हैं
मिली बॉक्स नहीं है वहां पे भी आपको इसको स्प्रे करना है। ये तो होता रहेगा हमारा, ये हमारे दूसरे पौधों में काम आ जाएंगे ये वाले जो हम पेस्टिसाइड बना रहे हैं। तो चलिए हम और तरीके भी देख लेते हैं तब तक कि हम किन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्तों के अलावा मैं एक दो तरीके और बता देती हूँ आपको, जो आपके घर से ही आपको सामान मिल जाएगा उसी से आपके पेस्टिसाइड बन जाएंगे। और एक तो ये है, जो हमारे नर्सरी, हमारे आसपास नर्सरी होती है वो लोग ये वाली पेस्टिसाइड यूज करते हैं। मुझे इसका नाम मालूम नहीं है, मैं तो व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो यूज करते हैं वो लेकर आती हूँ। इससे भी बहुत जल्दी आपके जो मिली बग्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। बस इसको करना क्या है, आपने इसको पौधों के ऊपर छिड़कना है थोड़ा थोड़ा, पत्तों पे, टहनियों पे और मिट्टी में भी छिड़कना है इसको। लेकिन ये जो है ये आपका ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे मेरा बैंगन का पौधा है तो मैं उस पर नहीं छिड़कूंगी क्योंकि मैंने उसके बैंगन खाने हैं। तो उसके लिए मैं नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके अलावा मैं और एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है हमारी रसोई से ही मिल जाएगा उसका बताती हूँ आपको। ये है लहसुन और ये है मिर्ची और ये नारियल का तेल। इन तीन चीजों से हमारा पेस्टिसाइड भी बन सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, बराबर मात्रा में हमें मिर्च और लहसुन को पीसना है, पीस के उसका जूस निकालना है। जूस निकालने के लिए आप किसी कपड़े से उसे छान लीजिए। जैसे अगर आप 25 ग्राम लहसुन ले रहे हैं तो 25 ग्राम ही आपको मिर्ची लेनी है और उसमें हमने 2 टेबल स्पून डालना है नारियल का तेल। और इस मिक्सचर को फिर हमने 1 लीटर पानी में घोलना है और उसके बाद स्प्रे करना है। ये भी आपका ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको नीम के पत्ते कहीं नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें घर पे ही होती हैं। और अगर नारियल का, नीम का तेल हो तो वो इससे भी बेटर है, लेकिन नीम का तेल सबके पास नहीं होगा, नारियल का तेल तो सबको मिल भी जाएगा और होगा भी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे होगा क्या, तेल से टहनियों पे एक लेयर ऑयल की बन जाएगी जिससे कि आपके मिली बग्स उस पर चिपक नहीं पाएंगे। और ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है मिर्ची का, तो अनइजीनेस उनको फील होगी तो आपका पौधा छोड़ के भाग जाएंगे या मर जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप कोई भी शैम्पू 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून अच्छी तरह से शेक कर लें और उससे स्प्रे करें। और ये भी नहीं करना है तो आपके पास जो लिक्विड विम बार है या लिक्विड सोप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं शैम्पू की तरह, या फिर डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट आप ले सकते हैं। लेकिन इन सब में केमिकल्स होता है, अगर आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मेरे ये नीम का तरीका है, बिना केमिकल की है। और साथ ही ये मिर्च और लहसुन का जो है ये भी केमिकल फ्री है। ये जो केमिकल्स हैं ये हम जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारी सब्जियां हैं उनपे ना करें तो बेटर है। और अगर आप करें भी तो आपका पत्ते गमले से बाहर खींचकर फिर उस पर स्प्रे करें ताकि आपके गमले की मिट्टी में ना जाएं केमिकल्स, और नेक्स्ट डे आप उसको धो दें। और ये जो पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हैं हो सके तो शाम को ही यूज करें और सुबह एक बार इसको फ्रेश वाटर से धो दें। जो मिर्ची वाला पेस्टिसाइड हम होममेड है उसके लिए आपको मिर्ची वाला क्या, सबके लिए आपको ये देखना है कि आप जब आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए कम से कम 20-25%। मतलब कि आप अगर मिट्टी में उसको, मिट्टी को इस तरह से दबाते हैं तो वो एक लड्डू जैसा बन जाना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो भी आप उन पे डालेंगे पौधे को स्ट्रांग लगेंगे। तो जिस तरह से हमें प्यास लगती है उन्हें भी प्यास लगेगी, तो इसलिए उनकी मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो चलिए हम स्प्रे कर लेते हैं अपने पौधों पे। तो चलिए हम इसे स्प्रे कर लेते हैं अपने प्लांट पे जो इफेक्टेड है, और जो इफेक्टेड नहीं है उन पे भी हम स्प्रे कर लेंगे ताकि गलती से भी वहां पे कोई मिली बग ना हो जो हमें दिख ना रहा हो और हमारे पौधे खराब कर दे। तो चलिए पहले हम स्प्रे कर लेते हैं। इस तरह से नीम का जो हमने
सॉल्यूशन बनाया है, ये देखिए ग्रीन कलर का, इसको हम पूरे पौधे पे छिड़क देंगे। एक बार प्रेशर वॉश कर लीजिए, सारे पत्तों पे आप ऊपर नीचे लगाइए। इसी तरह से आपके पास जितने भी पौधे हैं सब पे छिड़काव कर दीजिए। मिली बग्स जो हैं, ये ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है तब ज्यादा अटैक करते हैं पौधों पर। इसकी मिट्टी में भी आप डाल दीजिए, अगर मिट्टी में थोड़ा भी कुछ इनके एग्स वगैरह हैं ताकि वो दोबारा से ना पनप जाए, तो मिट्टी में भी इसका छिड़काव कर दीजिए। ये देखिए मेरा हिबिस्कस का पौधा है, छोटा सा, ये बिल्कुल क्लियर है, इस पर कोई अटैक नहीं है मिली बग का, क्योंकि ये अलग पड़ा हुआ है, थोड़ा दूर है, और फिर भी हम इस पर भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें केमिकल वाला भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो गार्डनर से लिया था माली से, मैं दिखा देती हूँ इसको कैसे करना है। इसको आप इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का सा छिड़काव कर देंगे और मिट्टी में भी इसका छिड़काव कर दीजिए। तो आपके मिलीबग्स भाग जाएंगे, एक ही दिन में आपको फर्क पता चलेगा। जैसे आज शाम को अगर किया है, सुबह जब उठ के आप पौधे को देखोगे तो उसमें नए पत्ते और फ्रेशनेस आपको नजर आएगी। इसके छिड़काव के बाद हल्की सी इसकी मिट्टी को हिला दें ताकि मिट्टी के अंदर भी ये आपका पेस्टिसाइड चला जाए और हर तरह से कीटाणु नाश कर दे। बस इतना सा करना है आपको, और नेक्स्ट डे आप इसको पानी से धो भी सकते हैं, किसी भी इस तरह से पानी स्प्रे करके इसको वॉश कर दीजिए। बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे आपके पौधे और नए अंकुर जो है आपको नेक्स्ट डे ही दिखना शुरू हो जाएंगे। इतना ज़्यादा अटैक कर देते हैं ये मिलीबग्स कि एक ही दिन में आपके पौधे में रंगत आ जाती है पेस्टिसाइड यूज़ करने के बाद। अगर आपने शाम को किए तो आपको सुबह ही उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा, आपका पौधा हरा भरा नज़र आने लगेगा, नए नए पत्ते नज़र आने लगेंगे उस पर निकले हुए, तो आपको अपने आप पता लगेगा कि आपका पौधा हेल्दी है। इस तरह से छिड़काव कर दीजिए, धो दीजिए उसको। बस इस तरह से मिलीबग्स कभी भी आपके पौधे को ख़राब नहीं करेंगे। तो आपने देखा, मिलीबग्स भगाने के लिए आपको घर में ही बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मिल जाएंगे, कुछ केमिकल कुछ ऑर्गेनिक, आप जिनका इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पौधों के हिसाब से। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक ही करें तो बेटर होगा, और ऑर्नामेंटल पे तो आप कोई भी कर लीजिए, आपको पत्ते सुंदर दिखने चाहिए, उसको आपने खाना नहीं है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिलीबग्स जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल कॉटन जैसे दिखते हैं अगर आपको पहचान ना हो, और पूरी पत्ते पे पूरे वाइट कलर के नज़र आएंगे आपको, और टहनी जो है वो भी पूरी भरी होती है, ये एक हाथ नहीं होता है, पूरा की पूरी इनकी दल होता है, कॉलोनी होती है, एक साथ बहुत सारे होते हैं, और देख के तो इनको लगता है जैसे कि वाइट कलर की कोई स्नोफॉल हो रखी है। और इन्हें भगाना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास गमले हैं गमलों में से भगाना मुश्किल नहीं है, खेतों में तो हाँ हो सकता है मुश्किल। मिलीबग्स जो हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और जो वाइट कलर है वो बेसिकली वैक्स कोटिंग होती है इनके ऊपर, तो एक तरह से इनकी प्रोटेक्शन होती है। और जहाँ पे मिलीबग्स होंगी वहाँ अक्सर आपने देखा होगा चींटियाँ भी होती हैं। चींटियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि मिलीबग्स जो अपना वेस्ट निकालते हैं वो मीठा होता है। मिलीबग्स बेसिकली पौधे का जो जूस है वो चूस लेते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट छोड़ते हैं वो स्वीट होता है, मतलब उसमें शुगर कंटेंट्स होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं। और चींटियाँ ही हैं जो एक पौधे से दूसरे पौधे में मिलीबग्स ले जाती हैं, इसीलिए जब मिलीबग्स का कंट्रोल करो तो चींटियों का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। चींटियों पे भी कंट्रोल एक तरह से हो ही जाता है उसी पेस्टिसाइड से, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि चींटियाँ ही मिलीबग्स को एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेके जाती हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।